हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसजेड स्टडी। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे झारखंड एसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम होना है, जेएसएससी का। और ये सीजीएल मतलब ग्रेजुएट लेवल का एग्ज़ाम है, कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल। इसके बारे में हम लोग कंप्लीट बात करेंगे इस वीडियो में। और बहुत ही मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी बोल सकते हैं ये। और मतलब 2017, 18, 19 ये पहले भी एक दो बार जो है कैंसिल हो गया, लेकिन इस बार मुझे लग रहा है कि ये एग्ज़ाम जो है आपका हो जाएगा। कब तक होगा और कितना वैकेंसी, वैसे मैं एक चीज़ आपको पहले ही बता दूं वीडियो स्टार्ट करने से पहले, कि इसका जो फॉर्म फिलअप करने का डेट है ना, वो एक्सटेंड कर दिया गया है। 3 अगस्त तक आप जो है फॉर्म फिल कर सकते हैं इसका, 3 अगस्त 2023। तो उतना मतलब 3 अगस्त तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं, और नहीं किए हैं अभी तक तो आप कर लीजिएगा। मैं भी इस फॉर्म को फिल करूंगा, क्योंकि मैं वैसे अभी तक नहीं किया हूं, लेकिन आज तो नहीं, कल कर दूंगा। कल तक मैं फॉर्म को फिल कर दूंगा। ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं, मैं बताऊंगा आपको डिटेल में, मतलब कि क्यों भरना है ये फॉर्म। देखिए, ये मतलब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी इसलिए है क्योंकि ये बहुत दिन बाद हो रहा है एग्ज़ाम। इससे पहले एक दो बार कैंसिल हो गया है, इस बार होगा ही होगा। और इसने एग्ज़ाम डेट वगैरह सारी चीज़ें दे दिया है, और टाइम पे होगा, और ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है। ये क्या है कि वन डे एग्ज़ाम है। पेपर तो हालांकि 3 पेपर होंगे, सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, 3 पेपर होगा इसमें, लेकिन वन डे एग्ज़ाम है, एक ही दिन में। और उसका ना कोई स्किल टेस्ट है, ना कोई कंप्यूटर टेस्ट है, कुछ भी नहीं चाहिए। और पोस्ट की अगर बात करें तो गजब लेवल का पोस्ट है। सारे लगभग इसमें 7 तरह के पोस्ट हैं। अगर वैकेंसी की बात करें तो 2000+ वैकेंसीज़ हैं, यानी 2500 के अराउंड वैकेंसी है। और उसमें 7 कैटेगरीज़ हैं। उसमें से एक जो है, जो लेवल 7 का पोस्ट है, ग्रुप बी में ही आता है, लेवल 7 का पोस्ट है, वो आपका असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर, ब्रांच ऑफिसर का पोस्ट हो गया। उसके बाद जो है और भी काफ़ी सारे, यानी सारा ऑफिसर का है पोस्ट ग्रुप बी का। यानी 7 कैटेगरीज में से 5 कैटेगरी जो 5 तरह का जो जॉब है वो है उसमें ग्रुप बी का पोस्ट है। उसके बाद और जो अलग अलग पोस्ट हैं तो वो जो है मतलब 2 ही कैटेगरी बचा, उसमें 2 जो है आपका वो ग्रुप सी का पोस्ट है। तो मतलब गजब का ये अपॉर्चुनिटी है हम सभी के लिए। और ये इसमें एक खास बात ये है कि अदर स्टेट के भी कैंडिडेट को स्पेशली यहाँ पे मेंशन किया है कि भर सकते हैं, बट जो है अदर स्टेट के जो कैंडिडेट होंगे वो जनरल कंसिडर किया जाएगा, उनको कोई भी स्पेशल कैटेगरी का छूट नहीं, यानी कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिलेगा। जो ग्रुप बी का मैंने जो लेवल 7 का जो पोस्ट बताया असिस्टेंट ब्रांच का जो है, उसमें अगर सिर्फ उसी का बात करें तो टोटल जो पोस्ट है ना 863 पोस्ट है, यानी 863 पोस्ट असिस्टेंट ब्रांच ऑफिसर का लेवल 7 का पोस्ट है। और इसमें सिर्फ यूआर के लिए 347 यानी 347 पोस्ट जो है जनरल वालों के लिए हैं। तो सोच सकते हैं कितना बड़ा अपॉर्चुनिटी है हम सभी लिए, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। बट इसका सिलेबस थोड़ा सा अलग है, बात करेंगे क्या क्या है, और बहुत ही मतलब मज़ा आएगा उसे अगर इसको करना चाहे ना। जो स्टूडेंट अगर सीरियसली जो कर रहा है तो उनके लिए तो एकदम बेस्ट अपॉर्चुनिटी के टाइम दे इसको अच्छा से, और जो और एग्ज़ाम्स के लिए कर रहा है तो उनके लिए भी हो जाएगा। इस वीडियो में मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा, देखते रहिएगा वीडियो को एंड तक। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ओके, तो देखिए इसमें जो एग्ज़ाम होगा ना, पहली चीज़ मैंने आपको बता दिया कि एक ही दिन वन डे एग्ज़ाम है ये। और नहीं इसमें जैसे, और जैसे पटना हाई कोर्ट का भी एग्ज़ाम हुआ था, इसमें भी अदर स्टेट के स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया था। इसमें क्या है, पीटी है, मेंस है, उसके बाद इंटरव्यू है, देन सीपीटी है, लेवल 7 का पोस्ट ये भी था, ग्रुप भी था। तो इसमें भी जो है इतना सारा प्रोसेस, यानी 4 स्टेजेस हैं। बट ये जो झारखंड में निकला है इसमें भी सारे पोस्ट ऑफिसर लेवल के हैं, लेकिन इसमें कोई भी अदर मतलब दूसरा एग्ज़ाम नहीं आपको देना है, एक वन डे एग्ज़ाम देना है। उसमें से 3 जो है पार्ट में ये एग्ज़ाम होगा, 3 पेपर होगा लगभग आपका, लगभग क्या 3 पेपर है। इसमें कोई किसी भी तरह का कंप्यूटर स्किल वगैरह मतलब जो टाइपिंग हो गया, सीपीटी हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं होना, इंटरव्यू वगैरह ऐसा कुछ नहीं। वन डे एग्ज़ाम है, 3 शिफ्ट देना है। और जैसे ही आप, अगर एग्ज़ाम आपका बेहतर गया, सही गया, आप कट ऑफ को क्रॉस कर रहे हैं, तो आपका जो है फाइनल लिस्ट में, यानी मेरिट लिस्ट में आप आ जाएंगे, और किसी न किसी ऑफिसर लेवल का पोस्ट में आपकी बहाली हो जाएगी। फिर डायरेक्टली जो है, यानी एग्ज़ाम देने के बाद रिजल्ट होगा, रिजल्ट के बाद आप डायरेक्टली जो है डीवी के लिए जाएंगे, यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। तो इस पोस्ट के लिए मैं जो है आपको सिलेबस थोड़ा सा बता दे रहा हूँ, एग्ज़ाम पैटर्न। तो एग्ज़ाम पैटर्न आप देख लीजिए, 3 चरण में एग्ज़ाम होना है, मतलब 3 चरण नहीं, 3 मतलब पेपर होगा आपका एग्ज़ाम में, 3 पेपर। फर्स्ट पेपर जो होगा आपका 60-60 का रेशियो है, मतलब टोटल 60 क्वेश्चन हिंदी के होंगे, टोटल मतलब 60 क्वेश्चन इंग्लिश के होंगे। उसमें भी 30-30 क्वेश्चन जो है ग्रामर एंड लिटरेचर, ऐसे जो है ग्रामर एंड लिटरेचर नहीं, ग्रामर एंड पैसेज वगैरह ये सब होगा, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन हिंदी का, 60 क्वेश्चन इंग्लिश का फर्स्ट पेपर में, टोटल 120 क्वेश्चन हो गया। और एक क्वेश्चन थर्ड यानी 3 मार्क्स का होगा, तो 120 उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, टोटल मार्क्स उतना हो जाएगा, 1/3 का नेगेटिव होगा। फर्स्ट जो पेपर होगा लैंग्वेज पेपर, यानी हिंदी इंग्लिश का, तो ये क्वालिफाइंग है, इसमें 30% आपको स्कोर करना है।
ठीक है। पहला पेपर हो गया, उस 2 घंटा जो है आपको इसके लिए टाइम मिलेगा। उसके बाद सेकंड पेपर जो होगा वो भी जो है आपका रीजनल लैंग्वेजेस का होगा, झारखंड में जितनी बोलियाँ बोली जाती है, उसके बाद हिंदी इंग्लिश को भी ऐड किया गया, संस्कृत हिंदी इंग्लिश उर्दू भी है उसमें, ये सारा जो है लैंग्वेज ऐड किया गया। हिंदी इंग्लिश भी आप ले सकते हैं। अगर मेरी बात आप कहें तो मैं इंग्लिश चूज़ करूँगा। क्यों ऐसा? क्योंकि हिंदी मुझे थोड़ा सा बहुत ज़्यादा लगा। ऐसा नहीं कि मैं हिंदी नहीं, में 12th क्लास तक मैंने हिंदी मीडियम से ही पढ़ाई किया है, बट ग्रेजुएशन मैंने अपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से जो है इंग्लिश मीडियम से किया है ग्रेजुएशन, तो मैं इंग्लिश ऑप्ट करूँगा। बाकी आपको हिंदी में हिंदी भी ले सकते हैं। उसमें जो है हिंदी का विकास वगैरह थोड़ा सा मुझे डिफ़िकल्ट लगा, वो बहुत ज़्यादा जो है अलग अलग किताबें, काफ़ी सारा मटेरियल वगैरह पढ़ना होगा। इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी लिटरेचर वाला पार्ट पढ़ना है, बट इंटरेस्टिंगली जो है आप कवर कर सकते हैं अगर आपकी इंग्लिश ठीक ठाक है तो। उसके बाद ग्रामर वगैरह वाला पोर्शन तो जो है मतलब यही होगा। अब देखो इसमें क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 में क्या है कि अगर आप किसी भी, जैसे हिंदी को लेते हैं, हिंदी का ग्रामर एंड लिटरेचर वाला पोर्शन कवर कर लेते हैं, तो पेपर 1 में सिर्फ आप हिंदी से काम चला सकते हैं। 60 क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको पास होने के लिए, यानी 120 है तो उसमें से 30% आप निकाल लीजिए, 30% क्वेश्चन आपको सही करना है, क्वालिफाई कर जाएंगे। तो 30% क्या 40% ले लीजिएगा, फिर भी एक ही सब्जेक्ट से आपका हो जाएगा। इतना हो गया पेपर 1 पेपर 2 हो गया। तो पेपर 2 में जो हिंदी या फिर कोई सा भी सब्जेक्ट आप ले लें, उसमें झारखंड के कुछ रीजनल जैसे नागपुरी, क्या क्या मतलब उसे खोटा ऐसे करके कुछ जो है बहुत सारे लैंग्वेजेस दिया हुआ है, कोई सा भी अगर आप ऑप्ट करते हैं तो उसमें जो है आपको, आप जितना स्कोर करेंगे वो आपका मेरिट में बनेगा। फर्स्ट पेपर जो है वो मेरिट के लिए नहीं जुड़ेगा उसका मार्क्स, सेकेंड पेपर एंड थर्ड पेपर का आपको मेरिट के लिए जुड़ना है। तो अब सेकेंड पेपर का हमने बात कर लिया, रीजनल लैंग्वेजेस का है। जो थर्ड पेपर होगा वो आपका हो जाएगा जनरल स्टडीज़ का, यानी जनरल पेपर हो जाएगा, उसमें सारे सब्जेक्ट्स आ जाएंगे। थर्ड पेपर में आपका जनरल स्टडीज़ में जो है जैसे हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सभी जो है, इसमें आपका 30 क्वेश्चंस होगा करंट अफेयर्स के साथ, ठीक है। उसके बाद जनरल साइंस का जो है 20 क्वेश्चंस होगा आपका। उसके बाद फिर मैथ्स का 20 क्वेश्चंस, रीजनिंग 20 क्वेश्चंस, कंप्यूटर का जो है 20 क्वेश्चंस होगा, देन आपका झारखंड स्पेशल 40 क्वेश्चंस होगा। सारे क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के होंगे और 1/3 का नेगेटिव मार्किंग होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिए जीएस का इन्होंने जो इतना सारा सब्जेक्ट दिया है तो बहुत ही मतलब अच्छा तरह से सेट किया है इन्होंने, सब चीज़ फिक्स कर दिया। जैसे झारखंड स्केल, झारखंड का जो झारखंड स्पेशल जो जीके पूछेगा उनको इन्होंने अलग कर दिया, मतलब 40 क्वेश्चंस रहेंगे उनका पार्ट अलग दे दिया। और पटना हाईकोर्ट या फिर और भी किसी एग्जाम में होता तो जैसे किसी स्टेट का हो रहा है तो उसने जीएस में ही जो है बिहार स्पेशल या कोई भी उस स्टेट को पर्टिकुलरली मेंशन कर देते हैं कि वहाँ से भी पूछा है, तो फिर उसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है कि करें कैसे। बट यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन नहीं किया, इसने अलग कर दिया पूरा। जैसे आपका जीके वाला पार्ट जो दिया है, जीएस वाला यानी जनरल स्टडीज़ का जो पार्ट दिया है, उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी सेंट्रल मतलब स्टेट पूरा नेशनल लेवल का पढ़ना है, बट झारखंड में झारखंड ही सिर्फ पढ़ना है, उसमें करंट अफेयर्स भी पढ़ना है। तो ठीक है, झारखंड का वेटेज काफ़ी ज़्यादा है, 40 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन जो है 3 नंबर का आपका होगा, यानी 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा। इतना आप समझ गए पूरा पेपर का जो मैंने पैटर्न आपको बता दिया। अब एक चीज़ देखिए, स्ट्रैटेजी के लिए मैं इस वीडियो में नहीं बताऊंगा, अगर आपको चाहिए तो मैं अगली वीडियो बना दूंगा। वैसे ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस यूट्यूब पे है और मैंने भी देखा है, और आप जाके वहाँ पे स्ट्रैटेजी अपना बना सकते हैं और साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हैं आपका जो भी नेक्स्ट एग्जाम है। लेकिन इस एग्ज़ाम का फॉर्म फिल जरूर कीजिएगा, इसमें बिहार की तरह फॉर्म फी इतना ज़्यादा नहीं है। पटना हाईकोर्ट का भी मैंने फॉर्म फिल किया था तो 1200 फीस लगा था, आपने भी किया होगा तो लगा होगा, और भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए यहाँ ज़्यादा थोड़ा सा फीस होता है। लेकिन झारखंड में आपको सिर्फ 100 रुपीज़ आपको फीस देना है जनरल वालों को, बाकी एस सी एस टी का जो है 50 रुपीज़ रखा है, तो बहुत कम फीस है। बहुत कम फीस के लिए आप जो है मतलब इतना 100 रुपीज़ में ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। वैसे भी जो है ना, अगर तैयारी उतना नहीं भी है फिर भी भर दीजिएगा, जाके एग्ज़ाम दे दीजिएगा, क्या पता मतलब यार मतलब लग ही जाए, कोई इंटरव्यू वगैरह CPT वगैरह कुछ भी नहीं है। तो थोड़ा बहुत अगर आप जनरल कंपटीशन का फील्ड में तो इतना कुछ तो आपका पढ़ा हुआ होगा ही, हिंदी वगैरह तो आता ही होगा, इंग्लिश तो पढ़े ही, अगर CGL वगैरह के लिए पढ़ रहे हैं आप तो। आई होप आपको पसंद आया होगा सब कुछ, और जो भी मैंने इस पर नहीं बताया, जो मेरा रह गया बता नहीं पाया, तो आप मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दूंगा उसको। ओके गाइस, आई होप आपको पसंद आया होगा, और चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, थैंक्स फॉर वॉचिंग।